नमस्कार, सभी का स्वागत है। देश भर में आज नए कानून को लेकर उत्साह था। ऐसे में सभी, खासकर बिहार के सभी थानों पर एक महत्वपूर्ण जागरूकता खासकर बैठक बुलाया गया था, जिसमें खासकर बिहार के DGP हों या फिर दरभंगा के SSP हों या फिर तमाम जिला के SSP, CT SP, ग्रामीण SP या फिर सदर DSP, सभी लोगों को कहा गया था। और एक जागरूकता जो खासकर बैठक है वो सभी थानों पर थाना प्रभारियों के द्वारा बुलाया गया है। इस वक्त सीधे तस्वीरें दरभंगा जिला से दिखा रहे हैं। दरभंगा के SSP जगन्नाथ रेड्डी और CT SP शुभम आर्य मौजूद हैं। आज दरभंगा में नए कानून को लेकर हर एक जिला के थाना में नए कानून को लागू करते हुए आम लोगों को इसकी जानकारी भी दी गई। वहीं आज लहरेसरा थाना में खुद जिला के कप्तान SSP जगन्नाथ रेड्डी ने आम शहरवासियों को नए कानून का पाठ पढ़ाया। दरभंगा के लहरेसरा थाने पर भारतीय न्याय संहिता की बारीकियों को SSP ने बताया, एक एक कर लोगों को समझाया, आम लोगों से भी हुए सवाल जवाब। SSP ने कहा, नए कानून से न सिर्फ आम लोगों को फायदा मिलेगा बल्कि जल्दी मिलेगा इंसाफ, मिलने में भी काफ़ी सहूलियत मिलेगा। वहीं अपराधियों पर भी लगाम लगेगी, पुलिस की भी की जाएगी, कार्यशैली बदल जाएगा। जगन्नाथ रेड्डी SSP इंटरव्यू में क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। और दरभंगा में आज सभी थानों पर एक महत्वपूर्ण बैठक लोगों को लिए बुलाया गया, सभी थानों पर जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया, आम जनता को बुलाया गया। देखिए, आज हमारा 3 नया कानून लागू हो रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो हम लोग उसी के तहत जो कानून में जो बदलाव आया है, संशोधन हुआ है, और उसके साथ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ये हमारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय के निर्देश पे ये हो रहा है। हमारा पूरा दरभंगा जिला में अन्य स्थल पे भी हो रहा है, वहाँ भी सीनियर ऑफिसर्स इसका प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हम लोग बुकलेट दिए हैं और उसमें जो कानून में संशोधन हुआ, जैसा या पहले FIR के बारे में, 0 FIR, E FIR के बारे में, हैंड कपिंग किसको लगाना है, नहीं लगाना है, और अन्य जो महिला के संबंधित जो अपराध में जो होता है उसमें जो क्या संशोधन प्रावधान में संशोधन आया है, और सर्च एंड सीजर पे प्रोसीजर में क्या बदलाव आया है, और ई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कैसा कलेक्ट करना है, उसमें क्या हम लोगों को बदलाव आया है, सारा इनको जानकारी हम लोग आज दिए हैं। और उसी के तहत इनको उनके तरफ से बहुत सारा क्वेश्चंस आए हैं, हम लोग उनको जवाब दिए हैं। और ये मेन मकसद इसका था कि पब्लिक को अवेयर करना कि आज स्टार्ट हुआ है कानून और उसके बारे में उसमें क्या क्या संशोधन आया है, इनको जानकारी देना था हम लोग जरिए। तो कॉमन आदमी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि कुछ इसमें पब्लिक पुलिस का अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के बढ़ेगा। सर्च करने जा रहे हैं तो सीजर कर रहे हैं तो आपको ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से घटनास्थल पे करना है, और इवन घर पे भी जाके अगर सर्च कर रहे हैं तो वहाँ भी जाके उन जहाँ भी सर्च कर रहे हैं, सीज कर रहे हो, तो वहाँ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मस्ट मैंडेटरी कर दिया गया। उसको 48 घंटे के अंदर जो रिकॉर्डिंग है, स्टोरेज जहाँ जहाँ करते हैं हम लोग, उसको माननीय न्यायालय को उसको उपस्थापन करना है और भेज देना, तो वह एक प्रावधान है। और अन्य बहुत सारे प्रावधान है, जैसा पब्लिक आता है तो उसको निःशुल्क उनको FIR का कॉपी देना है हम लोगों को, 90 डेज के अंदर अगर FIR होता है तो 90 डेज के अंदर प्रोग्रेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी उनको बताना है जो वादी को या पीड़ित पक्ष को, और मेडिकल रिपोर्ट, जैसा सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं उसमें मेडिकल जांच 24 घंटे के अंदर होना है, उसका रिपोर्ट भी 7 डेज के अंदर देना है। तो टाइम लाइन फिक्स किया गया है, इसको क्या होता है कि पब्लिक को जल्दी न्याय भी मिलेगा। इवन अगर अभियुक्त अगर ट्रायल के दौरान अगर भाग जाता है या उसको उपस्थित नहीं हो रहा है, उसको ट्रायल इन एब्सेंशिया जो बोलते हैं वो भी लागू है, तो बिना अभियुक्त आए भी उसको ट्रायल स्टार्ट होगा और जजमेंट तक जा सकता है। कई कारण अभी तक हमने रिपोर्ट लिया है, 11 बजे तक कोई अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ था, जैसे ही दर्ज होगा तो हम मीडिया के ग्रुप में इसको डाल देंगे। Thank you.
महिला पुलिस के अरेस्टिंग कोई ग्रुप जा सकती है घर के तलाशी के लिए?